Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing a very important remedy from third prof and that is Thalassery bursa pastoris. Friends, मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करना स्टार्ट करने वाली हूँ मटीरिया मेडिका के सेशंस में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. फ्रेंड्स, अगर ऑर्गेनॉन का कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसे डिस्कस करूं तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. जिसपे मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है तो मैं विद इन अ वीक उसे पोस्ट करने की कोशिश करूंगी. विल बी गोइंग ऑन विद डिस्कसिंग मटीरिया मेडिका लेक्चर्स डेली. आई विल बी पोस्टिंग वन लेक्चर सो दैट वी कैन इजिली कम्प्लीट all the remedies which are most frequently asked in your examination. So friends, the remedy for today is Thalassery bursa pastoris. And Thalassery bursa, jab main aapke saath discuss karun, to aap iske female reproductive symptoms par dhyan dijiyega, ya fir female se related jitne bhi symptoms hain, wo is remedy ke base hai aur uske upar इस रेमेडी का बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है. तो चलिए इसी के साथ थैलेसपी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, first of all, here it has been mentioned that persons of light complexion, blondes, thin, spare, irritable, subject to hepatic, gastric and abdominal complaints. So जो चेलिडोनियम का person होता है, ये जो remedy है, ये ज़्यादातर blondes के लिए दी जाती है. Thin and spare, irritable subject, ऐसे person जो बहुत जल्दी irritate हो जाते हैं, बहुत पतले होते हैं और light complexion के होते हैं, उनको हम ये remedy देते हैं. जो प्रोन होते हैं किस चीज के लिए, हिपैटिक ट्रबल, गैस्ट्रिक ट्रबल एंड अबडोमिनल कंप्लेंट्स, ये ज्यादातर हमें इस रेमेडी में देखने को मिलती है. मूविंग ऑन, एवरी एज, सेक्स एंड टेम्परामेंट के पर्सन को हम ये दे सकते हैं. कॉन्स्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, जो राइट स्कैपुला होता है उसके लोअर और इनर एंगल पर ज्यादातर हमें इसका पेन देखने को मिलता है. सो जो चेलिडोनियम रेमेडी है ये हम ज्यादातर लिवर ट्रबल्स के लिए दी जाती है. सो जो स्कैपुला, राइट स्कैपुला होता है उसके लोअर और इनर एंगल पे हमें कॉन्स्टेंट पेन ऑब्जर्व होता है. मूविंग ऑन, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट एलमेंट्स की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, is brought on or renewed by change of weather. मौसम बदलने की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. All lessen after dinner, और सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो खाना खाने के बाद उसमें आराम मिल जाता है. टंग कैसी दिखेगी इसमें हमें, टंग इज कोटेड थिकली येलो विथ रेड एजेस. इसकी जो टंग होती है दैट इज थिकली येलो विथ रेड एजेस और इसमें शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ. ये चीज फॉस्फोरस के पेशेंट में भी देखने को मिलती है, दैट इम्प्रिंट ऑफ टीथ इज ऑब्जर्व्ड इन द टंग. मूविंग ऑन, डिजायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक, इसकी जो पेशेंट होती है या इसका जो पेशेंट होता है इसको हॉट ड्रिंक्स की डिजायर होती है. अनलेस ऑलमोस्ट बॉइलिंग, स्टमक विल नॉट रिटेन देम. सो इसका जो पर्सन होता है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसको कोई भी खाना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म पसंद है. जब तक वो ऑलमोस्ट बॉइलिंग कंडीशन में नहीं रहेगा इसकी स्टमक उस चीज को रिटेन नहीं करती है. मूविंग ऑन, पीरियोडिकल ऑर्बिटल न्यूरालजिया देखने को मिलता है. जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिट्स हैं उनमें न्यूरालजिक पेन ऑब्जर्व होता है विथ एक्सेसिव लैक्राइमेशन, टीयर्स फेयरली गश आउट. सो यहाँ पर एक्सेसिव बहुत ज्यादा लैक्राइमेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा टीयर्स देखने को मिलेंगे एंड द टीयर्स फेयरली गश आउट, दैट मीन्स ये बाहर की तरफ आते हुए हमें ऑब्जर्व होंगे. मूविंग ऑन, कॉन्स्टिपेशन स्टूल, हार्ड राउंड बॉल्स लाइक शीप डंक. सो यहाँ पर जो स्टूल होता है कॉन्स्टिपेशन के बाद जो स्टूल ऑब्जर्व होगा दैट इज हार्ड एंड राउंड बॉल्स लाइक शीप्स डंक.
ये बात हमें याद रखनी है दैट यहाँ पे जो स्टूल होगा कॉन्स्टिपेशन में वो काफी ज्यादा हार्ड होगा, राउंड बॉल्स के फॉर्म में होगा, जैसे कि शीप की स्टूल होती है। मूविंग ऑन, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। डायरिया एट नाइट इज स्लाइमी, लाइट ग्रे, ब्राइट येलोइश। फ्रेंड्स, आप सबको पता है दैट जो लिवर होता है वो ज्यादातर हिपैटिक जो है वो जॉन्डिस कॉज करता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो बिलिरुबिन है उसकी वजह से येलो पिगमेंटेशन आता है। तो आप इस रेमेडी में हर जगह ऑब्जर्व करोगे कि जो टंग है वो भी थिक है, जो डायरिया है वो भी ब्राइट येलोइश है, और वाटरी, पेस्टी एंड इनवॉलेंट्री। सो इसकी कंसिस्टेंसी है कि ये पेस्टी होगी एंड इट विल बी इनवॉलेंट्री। मूविंग ऑन, फेस, फोरहेड, नोज, चीक्स रिमार्केबली येलो। देखिए ये सारी जगह पर भी येलोनेस ऑब्जर्व होती है। मूविंग ऑन, येलो ग्रे कलर ऑफ द स्किन, विल्टेड स्किन एंड पाम्स ऑफ हैंड। विल्टेड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ठंड के मौसम में कभी कभी हाथ बिल्कुल सूखे से हो जाते हैं, मुरझाई हुई स्किन हो जाती है। सो दैट इज नोन एज विल्टेड स्किन, और येलो ग्रे पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इज ऑब्जर्व। मूविंग ऑन, हेपेटिक डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, पेन इन राइट शोल्डर। सो ये मेडिसिन, जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे दैट हेपेटिक डिजीजेस लाइक जॉन्डिस के केस में हम इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, निमोनिया ऑफ राइट लंग, लिवर कॉम्प्लिकेशन। राइट लंग में अगर निमोनिया की प्रॉब्लम है या फिर लिवर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। स्पास्मोडिक कफ, स्मॉल लम्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम द माउथ व्हेन कफिंग। सो फ्रेंड्स, आप जब भी ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर कोई पेशेंट आपको ऐसा बताता है दैट स्मॉल लम्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम द माउथ व्हाइल कफिंग, तो आप उस कंडीशन में चेलिडोनियम को प्रेस्क्राइब कर सकते हो। मूविंग ऑन, इफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट। ज्यादातर ये जो पर्सन होता है इसके राइट साइड को इफेक्ट करती है ये मेडिसिन, एंड राइट आई, राइट लंग एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो ये बात हमें समझ में आती है दैट चेलिडोनियम इज अ राइट साइडेड रेमेडी, क्योंकि ये सारे राइट साइड को इफेक्ट कर रही है। मूविंग ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ओल्ड प्यूट्रिड स्प्रेडिंग अल्सर विद अ हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज। अगर अल्सर की दिक्कत आ रही है लेकिन उस पेशेंट में अगर हिस्ट्री है लिवर डिजीज की, तो उस कंडीशन में हम लोग ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मूविंग ऑन, गॉल स्टोन्स विथ पेन अंडर द राइट शोल्डर ब्लेड। अगर लिवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से अगर राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में आप ये रेमेडी यूज कर सकते हो, और वो रेमेडी कौन सी है, दैट इज चेलिडोनियम। सो बेसिकली अगर मैं चेलिडोनियम का एक रिकैप देने की कोशिश करूं तो ये जो रेमेडी होती है ये लिवर ट्रबल्स के लिए, गॉल स्टोन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जब भी येलो पिगमेंटेशन हो जा रहा है स्किन का, टंग का, जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है वो शीप्स डंग लाइक ऑब्जर्व हो रहा है, पर्सन जो है उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स डिजायर है, लेकिन उसको जब भी वो कोल्ड लेगा तो उसकी स्टमक उसको रिटेन नहीं कर पाएगी। अगर ये बहुत ज्यादा बॉइलिंग, ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे ड्रिंक लेता है तभी ये उसको वो अंदर रख पाता है स्टमक में। ऑल्सो इसके जो बॉडी है, जो भी स्किन है, टंग है, स्टूल है, ये सब हमें येलोइश अपियरेंस ऑब्जर्व होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेलिडोनियम एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है जॉन्डिस के लिए। ऑल्सो राइट साइड, राइट शोल्डर ब्लेड में अगर पेन है, उसके अंडर पेन है, राइट स्कैपुला के अंडर अगर पेन ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसके लिए भी राइट साइडेड रेमेडी चेलिडोनियम हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन इन विच वी डिस्कस चेलिडोनियम मेजर्स। आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेमेडी की देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, हिट द बेल आइकन, ताकि आप इनसाइड और किनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।